नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति मस्का वालिनाइटिस के बारे में। जी हाँ, मस्कुला वालिनाइटिस उन्हीं ब्लैक स्पॉट्स को कहते हैं जो कुछ लोगों के आँखों के सामने उनको दिखाई देते हैं और वह जिस तरफ अपनी नज़रों को करते हैं उस तरफ वह फ्लो करने लगते हैं। ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं जो काउवे फॉर्म में या स्ट्रिंग्स यानी तार के फॉर्म में या फिर स्पॉट्स के फॉर्म में आपकी आंखों के सामने रहते हैं। हम लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है कि आखिर ये क्या है और हमारी आंखों को क्या हो रहा है। बहुत लोग इसको रेटिना में स्पॉट कह देते हैं, बहुत लोग इसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ फैक्चुअल ये होता क्या है ताकि आपको इसकी जानकारी रहे और फिर इसको दूर करने की आपको 15 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, यह आपको परमानेंट क्योर कर सकता है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं क्या जो आई फ्लोटर्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, मस्का वालिनाइटिस होते हैं, ये होते क्या हैं। साथियों यह जो है एक तरह के स्पॉट्स होते हैं जो हम लोग के एजिंग के साथ हम लोगों का आई का जो विट्रस ह्यूमर होता है, आई का लेंस होता है, लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। जब हम लोग के एज बीतती है जो यह विट्रस ह्यूमर है, और यंग लोगों में भी हो सकता है, तो जो यह विट्रस ह्यूमर है यह थिन होने लगता है। जब ये थिक लिक्विड जो आई के पोस्टीरियर पार्ट में होता है या थिक लिक्विड या लेंस के पोस्टीरियर पार्ट में होता है, जब यह थिक लिक्विड थिन होने लगता है तो जो इसके फाइब्रिल्स होते हैं, इसमें जो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिल्स होते हैं विट्रस ह्यूमर में, वह आपस में क्लब करने लगते हैं। जब बहुत सारे फाइब्रिल्स आपस में क्लब कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो यह स्पॉट के फॉर्म में हम लोगों को तैरते हुए दिखते रहते हैं। अब एक बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स साथियों, आप जिधर आँख करें आपको या तो स्ट्रिंग्स का दिखना, तार का दिखना, या फिर ब्लैक स्पॉट का दिखना, इस तरह के सिम्टम अगर होते हैं जो कि आपके विजन के साथ लेफ्ट और राइट होते रहते हैं और या प्लेन बैकग्राउंड में यह ज़्यादा दिखते हैं, तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम महसूस हो तो आप जान लें आपको आई फ्लोटर्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स, आई का जो विजन है उसमें आई फ्लोटर्स इस तरह के आ रहे हैं और आपको इनके इलाज की ज़रूरत है। और जब ये अचानक बढ़ने लगें तो वास्तव में इसके इलाज एक मेडिकल इमरजेंसी होता है जिसकी आपको तत्काल ज़रूरत है। अब साथियों आते हैं कारणों पे कि आई फ्लोटर्स हो रहे हैं हमारी आँखों में, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो हमने शुरू में बताया वह एज है। जब आपका एजिंग प्रोसेस होता है तो जो आपका विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर थिन होने लगता है, और जब विट्रस ह्यूमर थिन होने लगता है तो इसके जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं आपस में अटैच होके एक ब्लॉक बना लेते हैं और वही आपको फ्लोट करते हुए लेफ्ट और राइट जब आप अपनी आई साइट ले जाते हैं वह दिखते हैं। दूसरी स्थिति, दूसरा कॉज इसका हो सकता है कि जब आपके पोस्टीरियर आई में दिक्कत हुई हो, पोस्टीरियर आई का जो रेटिना पोर्शन है उसमें दिक्कत होती है, उस पर भी जो अब उसका प्रेशर में गड़बड़ी आती है तब भी यह दिक्कत हो सकती है। थर्ड रीज़न इसका होता है ये रेटिनल डिटैचमेंट। जब आपके रेटिनल डिटैचमेंट होने की स्थिति आती है तब भी यह आई फ्लोटर्स बन जाते हैं और आपको तकलीफ पहुँचाते हैं। फिर अगर आपको कभी आई से ब्लीडिंग हुई हो, आई में ट्रॉमा पहुँचा हो, तब भी यह आई फ्लोटर्स जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके रूप में बन जाते हैं, विट्रस ह्यूमर में आ जाते हैं और वो आपको फ्लोट करते हुए दिखते हैं। तो यह कुछ कारण हो सकते हैं आई फ्लोटर्स होने के आपकी आईज में। अब साथियों जिसके लिए आप ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, जो मेन बात है वह यह है कि अगर आई फ्लोटर्स आने लगे हैं, आई फ्लोट्स में ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगे हैं विजन में, तो इसको दूर कैसे करें। इसके हम आपको 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे, लेकिन दवाएं बताने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर से पूछे ना लें। यह प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए, होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए, उसके रहस्यों को आपसे दूर करने के लिए है। आमतौर पर जो डॉक्टर छिपाए रहते हैं वो रहस्य दूर करने के लिए है, लेकिन दवाएं बिना डॉक्टर के पूछे ना लें, क्योंकि कोई भी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब चलते हैं साथियों सुहाने सफर पर,
आपको बताते हैं आई फ्लोटर्स को दूर करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति जो आई फ्लोटर्स की बनती है, वहाँ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जब आप अपनी आईज को मूव करते हैं तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं। अगर आपका जो आई फ्लोटर्स है वहाँ आपको ब्लैक कलर के महसूस होते हैं आपके विजन के बीच में, तो इसको दूर करने की सबसे कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के डिफरेंस पर वीकली उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके ब्लैक कलर का आई में स्पॉट्स आई फ्लोटर्स आ रहे हों, आपकी कंप्लेंट्स किसी चमकदार चीज को देखने से बढ़ती हो और आपकी तकलीफें शाम को ज्यादा बढ़ती हों, तो आपके लिए बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस हो सकती है। फॉस्फोरस के मरीज को खाने में ठंडा बहुत पसंद होता है, तो अगर आपकी डिज़ायर ठंडा खाना, आइसक्रीम, चिल्ड वाटर, इस तरह के सिम्टम्स आप में उभर रहे हैं, आपको शाइनिंग लाइट में, तेज़ लाइट में यह स्पॉट बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं देखने में और शाम को आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं, तो आपकी दवा निश्चित रूप से फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस 1 mg वीकली 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे आप ले लें, आप आई फ्लोटर से अपने को दूर पाएंगे। फिर एक स्थिति आती कि आपके आईज में इरिटेशन हो गया हो। जब आईज में आपके इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो भी यह ब्लैक फ्लोटर्स जो है वो आपके आईज के सामने आते हैं, तो अगर इरिटेशन के कारण आपके फ्लोटर्स बढ़ रहे हैं तो इसकी बहुत अच्छी दवा यूफ्रेसिया है। आप यूफ्रेसिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपके आई पे ब्लैक फ्लोटर्स आ रहे हों और आपकी आई बहुत इरिटेट हो गई हो, उनमें आपको बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही हो, असुविधा महसूस हो रही हो और उससे आँख से पानी आ रहा हो जो जलन कर रहा हो, अगर आपके बर्निंग लैक्राइमेशन है और आपके ब्लैक स्पॉट्स आई फ्लोटर्स आ रहे हैं, तो इसकी बहुत कारगर दवा साथियों यूफ्रेसिया है। आप यूफ्रेसिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। फिर साथियों, एक स्थिति आती है जब आपके स्क्विगी लाइंस आने लगती हैं। स्क्विगी शेप में आपके लाइंस जो है आपके फ्लोटर्स दाएं बाएं लेफ्ट राइट घूमने लगते हैं, अगर यह स्थिति साथियों आप महसूस कर रहे हो तो इसके लिए आई फ्लोटर्स की बहुत अच्छी दवा काली सल्फ है। आप काली सल्फ 30 दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, तो आपका यह जो स्क्विगी टाइप लाइंस आपके आई फ्लोटर्स में आ रही हैं यह पूरी तरह चली जाएंगी और आपको राहत दे देंगी। फिर एक स्थिति आती है कि जब आपका विजन ब्लर हो गया हो और आपके आई फ्लोटर्स आपकी आंखों के सामने तैर रहे हो, लेफ्ट हो रहे हो, राइट हो रहे हो, अप हो रहे हो, डाउन हो रहे हो, तो अगर ब्लरी विजन के साथ आपके आई फ्लोटर्स आपकी आंखों के सामने ब्लैक कलर के तैर रहे हैं या किसी कलर के तैर रहे हैं और विजन आपका ब्लर हो गया है, तो उस स्थिति की बहुत ही अच्छी दवा साइलिसिया है। साइलिसिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं अपने आई फ्लोटर्स को दूर करने के लिए। जब आपका विजन ब्लरी हो गया हो, मरीज को बहुत ठंडक लगती हो, सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी लगती हो और उसके आई फ्लोटर्स हो, इस स्थिति में आप साइलिसिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके डस्ट पार्टिकल्स आईज में महसूस हो रहे हो, आई में कड़कड़ाहट महसूस हो रही हो, तो अगर यह स्थिति आपकी आ जाए कि आपके आईज में डस्ट पार्टिकल्स महसूस हो रहे हैं, कड़कड़ाहट हो रही है और आई फ्लोटर्स आपके घूम रहे हैं चारों दोनों तरफ, तो इसको दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार उस कंडीशन के आई फ्लोटर्स को दूर करने के लिए ले सकते हैं जब आपके डस्ट पार्टिकल्स का आपको आँखों में एहसास होता हो और आपको आपका जो है एक वीपिंग डिस्पोजिशन हो, आप दुखी बहुत जल्दी हो जाते हो, इस मेंटल कंडीशन के साथ आपको और आपका जो फिजिक है वो बहुत दुबला पतला हो, ये 3 बातें अगर आप में पाई जाए तो आप समझ लें आपकी दवा सीपीआर 30 हो सकती है, जो आपके आई फ्लोटर्स को बहुत हद तक ख़त्म करने में बहुत कारगर रहेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपकी आंखों के आगे जिग जैक लाइंस चल रही हो, आई फ्लोटर्स की ब्लैक कलर के स्पॉट्स की जिग जैक लाइंस हो, उनका शेप ना हो, वो जिग जैक हो, क्रॉस करी हुई साड़ी बेड़ी, तो उसकी बहुत ही अच्छी दवा साथियों दूर करने की आई फ्लोटर्स की उस जिग जैक लाइंस की है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं आई फ्लोटर्स के केस में, जब आपके आगे जो आई फ्लोटर्स आ रहे हों, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हों, वो जिग जैक स्थिति में हों, आपको खाने में नमकीन बहुत पसंद हो, आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता हो और आपकी गर्दन लंबी हो, यह एक 4 सिम्टम अगर आप में पाए जा रहे हैं तो आई फ्लोटर्स को जिग जैक लाइंस को दूर करने की सबसे कारगर दवा नेट्रम्यूर है, यह आपको निश्चित रूप से लाभ देने में मदद कर सकती है।
एक स्थिति साथ ही आती है जब आपके आई फ्लोटर्स की जो लाइन है, आई डॉट्स हैं, वो ब्राउन कलर के हों। अगर आपको अपने आँखों के सामने, विजन के सामने जो आई फ्लोटर्स हैं वह ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम है। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आपका विजन स्ट्रांग ना हो, यानी आपकी आईसाइट स्ट्रांग ना हो, और आपके आगे यहाँ ब्राउन कलर के जो पिगमेंट्स हैं यहाँ दोनों तरफ घूम रहे हों, आई फ्लोटर्स घूम रहे हों, वह कंडीशन अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा के इस्तेमाल करने से पूरी तरह ठीक होने की पूरी संभावना है। एक स्थिति साथियों आती है जो आपके आई फ्लोटर्स हैं ये ब्लैक भी हो, ब्राउन भी हो, और ये चेंजेबिलिटी हो रही हो, अगर ये आपस में चेंज हो रहे हैं स्पॉट्स, कभी ब्लैक हो रहे हैं, कभी ब्राउन हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, और इनका मूवमेंट बहुत तेज़ हो रहा है, तो इसको दूर करने की दवा साथियों साइक्लामेन है। आप साइक्लामेन 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले लें। जब आपके स्पॉट्स चेंज हो रहे हों उनका कलर, और आपके हेडेक बहुत हो, आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपको चक्कर आ रहे हो, थोड़ा वर्टिगो हो, यह स्थिति अगर आप अपने में पाते हैं तो आपके लिए साइक्लामेन 30 दो बूंद दिन में 3 बार ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने की बहुत कारगर, बहुत मुफीद दवा है, आपको आराम दे देगी। एक स्थिति आती है साथियों जब आपके आई फ्लोटर्स आ रहे हों और आप मायोपिक हो, मायोपिक मतलब शॉर्ट साइटेड हो, आपके आईज का विजन जो है शॉर्ट साइटेडनेस हो, तो अगर आप मायोपिक हैं और आपके आई का शॉर्ट साइटेडनेस है, आपको केवल पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उस स्थिति में को आई फ्लोटर्स को ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवा फाइटोस्टिग्मा है। आप फाइटोस्टिग्मा 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका मायोपिक कंडीशन में पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, उस कंडीशन के साथ जो आई फ्लोटर्स, अगर उस सिम्टम में आई फ्लोटर्स आपके आ रहे हैं, तो वहाँ इस दवा से फाइटोस्टिग्मा के 30 का 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करने से वह पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि कभी आपकी आंखों में चोट लगी हो, आपको ट्रॉमा पहुंचा हो, तो अगर आपको ट्रॉमा पहुंचा है और उससे आपको चोट लगी है, तो उसको दूर करने की आई फ्लोटर्स की उस कंडीशन में दूर करने की बहुत अच्छी दवा आर्निका है। आप आर्निका 30 दो बूंद दिन में 3 बार लगातार मरीज को देते रहें, कुछ दिन में ट्रॉमा के कारण जो आई फ्लोटर्स आए हैं, चाहे उसके अंदर ब्लड का फ्लोटर्स आ गए हों, चाहे जो आ गए हों, वह वक्त के साथ दूर हो जाएंगे और ठीक कर देंगे। साथ में साथियों ट्रॉमा की स्थिति में एक और दवा बहुत अच्छी है, वह है सेनेगा। आप सेनेगा 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। वह भी आपका जितना भी अंदर फ्रैगमेंट्स हैं आपके आइस के अंदर, वह पूर्णतया दूर कर देंगे, और सेनेगा दवा आपके ट्रॉमा के कारण जो आपको नुकसान पहुंचा और पार्टिकल्स आपके विट्रस ह्यूमर में आ गए हैं, जो कि आई फ्लोटर्स के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, उसको दूर करने में यह दवा बहुत सहायक होगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, उसमें कुछ सुर्ख हो गई हो लाल आंखें, और आपको आई फ्लोटर दिख रहे हों, तो अगर यह स्थिति आपको आ रही है साथियों, जब आपके आई फ्लोटर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज हैं, आँखों में सूजन के कारण, लाली के कारण हैं, तो इसकी बहुत कारगर दवा बेलेडोना है। आप बेलेडोना 200 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपको बहुत सहायक होगी और आपको यह बहुत लाभ देगी। फिर एक स्थिति आपको महसूस हो सकती है जब आपको आई फ्लोटर्स की तकलीफ पढ़ने के दौरान बढ़ती हो, जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं तो ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, कई कलर के आई फ्लोटर्स होते हैं, इस तरह के आई फ्लोटर्स आपको चारों तरफ दिखने लगे हों जब आप पढ़ाई कर रहे हों, तो जब आई स्ट्रेन के बाद आपके इस तरह के आई फ्लोटर हों, तो उसकी बहुत कारगर दवा काली कार्ब है। आप काली कार्ब 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके आई फ्लोटर्स रीडिंग के दौरान जो आपको दिख रहे हैं वह बहुत ही कम हो गए। ये साथियों कुछ दवाएं थी आई फ्लोटर्स को दूर करने की, जो कि एक आजकल बड़ी कॉमन समस्या होती जा रही है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में डायबिटीज़ हो रहा है, एजिंग प्रोसेस में ब्लड प्रेशर हो रहा है, अब एजिंग प्रोसेस में आई फ्लोटर्स भी हो रहा है। तो मेरी कोशिश थी आपको होम्योपैथी के और करीब लाने की। अगर आपको मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक और सार्थक जवाब दे पाएँ। अगर साथियों आपको यह हमारी कोशिश होम्योपैथी को आपके करीब लाने में पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा के हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिए। आपका साथियों, फिर से हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए धन्यवाद।